और दोस्तों कैसे हो, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हो तो कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बातें बताई दीजिए। मुझे पता है वीडियो कुछ दिनों के बाद आ रही है, लेकिन मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा बिजी था इसीलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि आपको आगे से वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप रियलमी के फैन हैं तब भी आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप श्योमी के फैन हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि रियलमी का एक फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है जिसकी क्लियर स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है। जैसे ही आ जाएगी मैं उसके बारे में आपको जरूर से बता दूंगा। लेकिन अगर आप श्योमी के फैन हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो नए स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि श्योमी ने अपनी एक नई सीरीज निकाली है जिस सीरीज का नाम है सी सीरीज। इस सीरीज में आपको दो नए स्मार्टफोन देखने को अभी मिल रहे हैं और काफी और भी फोन लॉन्च होंगे सी सीरीज में, लेकिन फिलहाल ये दो फोन लॉन्च हो रहे हैं जिसका नाम है श्योमी का CC9 और CC9E। क्या कुछ खास देखने को आपको इन फोनों में मिल जाएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इसकी लॉन्च डेट क्या होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं Xiaomi की सी सीरीज को लेकर के तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पास में टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, Xiaomi की सी सीरीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा डालो। तो Xiaomi की तरफ से आपको दो नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Xiaomi का CC9 और CC9E। दोनों ही फोन्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे Xiaomi के CC9E की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो 5.97 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही ये डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको बेजल्स काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Xiaomi के CC9E के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon वाला 710 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, तो प्रोसेसर भी इस फोन में आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इस फोन में आपको बैक में प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलेगी और आप इस फोन में देख पा रहे होंगे कि बैक में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि इस फोन में आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फेस अनलॉक दिया है या नहीं दिया है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको इस फोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बैटरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, थोड़ी सी कम बैटरी है, लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि इस फोन में आपको टाइप सी का पोर्ट दिया गया है जो कि आपके फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वैसे अगर 4000 mAh की बैटरी होती तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, कोई बात नहीं, टाइप सी का पोर्ट दिया गया, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप मैनेज कर लेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आपको Xiaomi की ये वाली न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये फोन आपको कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये फोन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला आएगा आपका 6GB 64GB के साथ आएगा, दूसरा आपका आएगा 6GB जो कि अगेन 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, और तीसरा जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 8GB 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। तीनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जौन सा प्रेफर करना चाहें वो आप कर सकेंगे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको बैक में तीन कैमरे देखने को मिलेंगे और फ्रंट में आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। बैक कैमरे की बात करें यहाँ पे आपको तो 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी वाला। वैसे इस फोन में कैमरे तो काफी ज्यादा कमाल धमाल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कैमरे को लेकर के फोन का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड बन गया है। सारे फोन में 48 मेगापिक्सल के कैमरे, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और तीन कैमरे तो कंपलसरी हो गए हैं, और बहुत ही जल्दी ऐसा आने वाला है कि सारे फोन में आपको 4-4 कैमरे देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस कैमरे को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दो बात कर लेते हम लोग फाइनली इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं 6GB 64GB की जो प्राइस है वो 1599 yuan है, जो कि अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो
16,000 रुपए के आसपास बनता है। और सेकेंड वेरियंट 6GB 128GB की जो प्राइस है वो 1899 yuan है, जो कि अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करके देखते हैं तो 19,000 रुपए के आसपास बनता है। और जो लास्ट वेरियंट आपको दिया गया है 8GB 128GB की जो प्राइस है 2199 yuan, अगर आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 22,000 रुपए के आसपास बनता है। वैसे प्राइस भी काफी ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसका बेस वेरिएंट खरीदेंगे 6GB 64GB वाला, जो आपको 15,000 या 16,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलेगी, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, तो ये फोन काफी ज्यादा कमाल मचाने वाला है। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे Xiaomi के CC9 के बारे में। इस फोन में बहुत सारी चीजें चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इस फोन में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो 6.39 की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और ये डिस्प्ले भी आपको नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको बैटरी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। उस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसके कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें फ्रंट कैमरा दोनों फोन में सेम दिया गया है, 32 MP का इसमें भी दिया गया है और 32 MP का उसमें भी दिया गया है, लेकिन बैक कैमरा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको बैक कैमरा देखने को मिलता है वो 48 MP का प्लस 16 MP का प्लस 12 MP का, काफी ज्यादा कमाल कैमरे है। और प्रोसेसर की बात करूँ यहाँ पे तो आपको मैं बता दूँ कि इस फोन में प्रोसेसर आपको 730 वाला देखने को मिलेगा, उसमें आपको 710 देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 730 वाला देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये फोन आपको कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा, तो ये फोन भी आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। 6GB 128GB के साथ आएगा, दूसरा वेरिएंट 8GB जो कि अगेन 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, तीसरा वेरिएंट 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। जोन सा आप प्रेफर करना चाहें वो वाला वेरिएंट आप प्रेफर कर सकते हैं, ये तो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉकेट की बात आ गई है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इसकी जो प्राइस है वो 6GB 128GB की जो प्राइस रखी गई है 2599 yuan, मतलब इसको अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 26,000 से 27,000 रुपए के आसपास बनता है। अगर आप इसका सेकेंड वेरिएंट लेना चाहते हैं 8GB 128GB की जो प्राइस है 2799 yuan, मतलब अगर आप उसको इंडिया में देखते हैं तो 28,000 से 28,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो। और ये लास्ट वेरिएंट 8GB 256GB वाले की जो प्राइस है 3099 yuan, मतलब आप उसको इंडिया में देखते हैं तो 31,000 या 32,000 रुपए के आसपास बनता है। ओके दोस्तों, तो ये दो फोन थे जो आपको Xiaomi की सीरीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये आखिर में मिलेंगे कब तक, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। ये फोन आपको 2 जुलाई को देखने को मिलेंगे, दो जुलाई को ये फोन लॉन्च होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो 15-16,000 रुपए में सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा फोन है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर में, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में घंटी को दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।